सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन पिनल कोड डिनोट्स कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब जिसमें दिया हुआ है कि द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियरी अलोन और ए बॉडी ऑफ जजेस हुई इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियरी एज ए बॉडी व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशियरी। तो मतलब कि कोर्ट ऑफ जस्टिस वर्ड के द्वारा किसको समझा जाता है, इसे समझा जाता है उसको जब जब एक जज जिसको लॉ के द्वारा पावर है कि वो जज फिर जुडिशियरी परफॉर्म करे अकेला एज ए जज, और ए बॉडी ऑफ जजेस मतलब कि ढेर सारा जज जब एक साथ बैठते हैं, ठीक है, मतलब कि ऐसा कोई जजेस का बॉडी जब हो, ठीक है, या फिर कोई कॉर्पोरेशन अथॉरिटी उसे भी बॉडी ऑफ जजेस कहा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बॉडी ऑफ जजेस है और उनको भी जब पावर होता है लॉ के द्वारा कि वो जुडिशियरी परफॉर्म करे एज ए बॉडी ऑफ जजेस, ठीक है, तब जब वो जज या फिर बॉडी ऑफ जजेस जुडिशियरी परफॉर्म करता है तो उस परफॉर्मेशन को जो कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलता है। मतलब कि अगर एक जज है वो कोर्ट में जाकर जुडिशियरी परफॉर्म करता है, उसका जजमेंट देता है, ठीक है, जो कि उसका काम है, तो जब वो काम कर रहा है तो उसे कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर एक अथॉरिटी है जिसको पावर है लॉ के द्वारा कि वो एज ए बॉडी काम एज ए बॉडी ऑफ जज जुडिशियरी परफॉर्म करें, तो जब वो जुडिशियरी परफॉर्म करेगा तो उसे कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाएगा।